आपको एक अदृश्य दृश्य दिखाएंगे। ये है महान गेंडा और मैं हूँ आज तक से रिपोर्टर पूरब। आप इसको फिजिकली देख सकते हैं, इसकी बॉडी 42, 36, 45। आइए भाई पीछे से, पीछे से इनका पोज देखिए भाई। ये इनकी मम्मी की गुफा है। ये इनकी मम्मी की गुफा। आंटी जी सो रही है आंटी जी। अंकल आप तुम्हारी बारह गुड़ा। सॉरी अंकल। और आप देखिए ये इनकी नहाने की जगह, नहाने की ये इनकी प्लेट है खाना खाने की। ये इनका सबसे छोटा टिल्लू नाम का बच्चा है, इनका यहीं पे खाना खाता है। और आइए आज हम आपको और अदृश्य चीज़ें बताएं। ये देखिए आप, ये ऐसे कभी आपने देखे हैं? ये चींटियों का वो महल है, ये चींटियों की रानी का। ये देखिए उनकी प्रजा, ये सिक्योरिटी गार्ड वहाँ का। ये मत कर रहे हो गेंडे, ये गेंडा प्रकृति से मतलब प्रेम ही नहीं है इस गेंडे को। इस गेंडे को प्राकृतिक से कोई प्रेम ही नहीं है भाई। कैमरा मैन का फोटो, ये हमारे कैमरा मैन है जो वीडियो बना रहे हैं। रुपेश शर्मा, अरे अरे भाई हटाओ, मिस्टर रुपेश खंडाला। ये बहुत ही खुश मिजाज पेड़ है, ये बहुत कम देखने को मिलता है हमें। इसकी सुंदरता देखते ही इसको जैसे हम टच करते हैं नीचे गिर जाता है, फिर ये गिर जाता है। ये बहुत अलग टाइप का पेड़ है, इसका तोड़ने का मन करता है। चुन चुन का पेड़, चुन चुन वाला। और चलो पीछे देख, नजारा तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे गाइड है गेंडा स्वामी। दान दिखा अपने गेंडे ऐसे यार कैसे। देखिए एक सुनसान रोड, ये रोड कहाँ ले जाएगी? ओह माय गॉड, किसी को नहीं पता कि ये रोड। आइए देखते हैं सुनसान रोड का रहस्य। ये देखिए यहाँ पे लोग आते हैं और पानी की बोतल लेकर और यूं ही चले आते हैं देख कर। किसको ये समझ नहीं पाया आज तक कि यहाँ लोग पानी की बोतल क्यों लाते हैं, बल्कि यहाँ पानी है। कैसी मैं पहली बार आया, टूटा हुआ पुल पूरा, ये पुल काफी टूटा हुआ है लगता है। यहाँ से कोई चलना ना, कोई भारी गाड़ी गई है यहाँ से, लगता है कोई भारी चीज गई है, भारी रुपेश नाम की चीज गई है यहाँ से। क्या यहाँ कोई खजाना होगा? उन्होंने तो मेरा दिल ही लूट लिया। तो कितना होगा? होगा तो किसका होगा? यहाँ पे मैं आज तक 4 साल से रोज आया कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने यहाँ पे बताया था कि यहाँ एक खजाना रहता है। उस खजाने की तलाश में हमने 4 साल व्यतीत कर दिए, बट हमें उसे अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा। हम उसको खोज कर ही लेंगे, आज लगता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। ये रहा, हमने आज पहली बार ऐसा किला देखा, छोटा सा ट्रांसफार्मर। मंजिल बहुत करीब है, यहाँ से हमें करंट लग सकता है। ये बहुत खतरनाक स्पॉट है, इसके आसपास खजाने के खातिर हम जाएंगे यहाँ से। इसके आसपास भी 200 मीटर तक बिजली का करंट रहता है, नो रास्ता जाना पड़ेगा। सॉरी हमारी मर चुकी है यहाँ पे, यहाँ पे खजाना पीछे ही रह गया। चल आगे चल, जाने लगा आगे। खजाने ने फिर हमें वापस चूतिया बना दिया है, और हम हमारी प्रोसेस जारी है। ये वेजिटेरियन वालों का जंगल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना का पेड़। गन्ना नहीं है, गन्ना बांस है, बांस। अरे गन्ना है भाई, खा कर देख। ए बांस है, मेरा चूस ले 4 बार। वीडियो हो रही भाई। तो मानते क्यों नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ ना। इधर देख, और इन्होंने बोला वहाँ से तो बांस है भाई। तो गेंडा सबको वो टच मी नॉट का पेड़, ये देखिए टच मी नॉट का पेड़। ये डेमो दिखाएंगे। नहीं 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 देखो ये बंद हो गया पूरा, आज उसका मुड़ नहीं है। ये खाएगा ट्रॉफी, ये इन्होंने जंगल में एक राजा से जीती थी। इसे देख मैं नाम दिखा गेंडा। ये सूखे सूखे फूल, ये सूखे सूखे पेड़ बहुत आ जाते हैं। ये क्या बयां करती है, कौन है? लगता है जैसे यहाँ हमारे देश की रानी आई थी और वो पानी पी के चली गई।